रूरा थाना क्षेत्र के अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की सुबह डाउन लाइन की रेल पटरी पर एक अग्निशामन का सिलेंडर पड़ा मिला। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी के चालक ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। इससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर इटावा से कानपुर जा रही ES6 मालगाड़ी के चालक ने अंबियापुर स्टेशन के पास डाउन लाइन पर बीच रेलवे पटरी पर सिलेंडर पड़ा मिला। वॉकी टॉकी से इसकी सूचना स्टेशन मास्टर नौशाद अली को दी गई। वहां से भेजे गए मेमो की सूचना पर जीआरपी चौकी प्रभारी अर्पित तिवारी, रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर रजनीश राय मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये सिलेंडर किसी ट्रेन से गिरने की संभावना है, फिर भी मामले की जाँच की जा रही है। जी, वो फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, अग्निशमन यंत्र जी। ये गाड़ियों में प्रत्येक कोच में लगा रहता है, ये दो दो की संख्या में रहते हैं जी। तो ये वैसे ही अब डाउन की ट्रेन से, जैसे सुबह मैसेज मिला कि कोई ट्रैक के पास पड़ा हुआ है अपना फायर एक्सटिंग्विशर, तो यहाँ आया, स्टाफ था चुकी और वो लोग आए अपना उठा के ले गए। उस जगह पे भी देखा गया तो बगल में भी अपना जहाँ पे गिरता है, किसी गाड़ी से डाउन की ट्रेन से किसी से गिरा होगा। अब ये जांच का विषय है किस ट्रेन से गिरा। अच्छा, जब ये ट्रैक पर पड़ा हुआ था तो उस वक्त कौन सी गाड़ी आ रही थी जिसको, जिसके पायलट ने इसको देखा? ये मालगाड़ी थी, मालगाड़ी द्वारा बताया गया था कि वो पड़ा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, जिस पे तुरंत यहाँ पे जो तैनात स्टाफ था और पॉइंट्समैन आए अपना लेके उसे गए। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।